हे गाइज, वेलकम बैक टू पार्ट टू ऑफ अजमेर टूर। तो दोस्तों, अभी जो है मैंने आप लोगों को मेरे पिछले पार्ट में बताया कि हमने किस तरीके से जो हमारी ट्रिप रही, रोड ट्रिप, और अभी जो है फाइनली हम लोग अजमेर शरीफ पहुंच चुके हैं। और ये जो पीछे जो आप लोग होटल देख रहे हैं मेरे, ये जो है किंग एडवर्ड होटल है। तो यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। तो अभी जो है हम मतलब यहाँ पे 8 बजे पहुँचे थे, अभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। और अभी जो टाइम है वो हो रहा है लगभग 10 बज रहे हैं। तो हम ब्रेकफास्ट करके जो थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर उसके बाद में हम शाम के टाइम में निकलेंगे, दरगाह के तरफ जाएंगे हम, वहाँ के फिर मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊँगा। तो आप लोगों ने मेरे साथ में बने रहना, क्योंकि वो जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप लोगों को दरगाह शरीफ भी देखने को मिलेंगे, इसके साथ में वहाँ का जो मार्केट है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। सो आई होप, तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो इन्जॉय करेंगे। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 5 और हम जो है यहाँ से होटल किंग एडवर्ड से निकल चुके हैं दरगाह जाने के लिए। ये जो हमने ई रिक्शा किया है, यहाँ पर पापा बैठे हैं और अपराध भांजा बैठा है, इधर मम्मी है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं दरबार की तरफ, दरगाह में। और सामने जो है दूसरा ऑटो जो चल रहा है उसमें बाकी के लोग बैठे हुए हैं, साथ वाले आशर वगैरह। तो अभी जो है हम यहाँ से दरबार जाएंगे, फिर उसके बाद में आप लोगों को वहाँ की चीज़ें भी दिखाऊँगा। ये जो मार्केट है दोस्तों, इसका नाम है डिग्गी बाजार मार्केट है ये अजमेर का। तो ये जो यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट है, और के स्टार्ट हो जाता है हमारी जो होटल है किंग एडवर्ड यहाँ से। तो ये कंटिन्यू पूरा बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, मतलब दरगाह में भी जो है, दरगाह के जो अतराफ के एरिया वो भी डिग्गी बाजार मार्केट ही है। और यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सस्ते रेट में कपड़े, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जूते वगैरह, इसके अलावा डेकोरेशन की चीज़ें जो कि मैं आगे बताऊँगा, वो सब देखने को मिल जाती है। तो आप लोग जो है ये जितना मार्केट है उसका नज़ारा करते हुए चलिए, इसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो में आगे मिलता हूँ। अभी दोस्तों हम लोग जो है दरगाह के अतराफ वाले मार्केट में पहुंच चुके हैं, और अम्मी अब्बू को जो है हमने एक पैदल वाला जो रिक्शा है उसमें बिठा दिया है। वैसे तो सादे जो रिक्शा है वो यहीं तक कर आते हैं, इसके अलावा आप लोगों को पैदल ही चल के जाना पड़ेगा। और अभी क्योंकि जो है 5 बज रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन रात में यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों को ये पूरा मार्केट बताते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है सामान काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाता है, एकदम चीप रेट में कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं। तो आप लोग ये मार्केट देखते हुए चलिए। अब यहाँ से हम लोग सीधा दरगाह की तरफ जाएंगे गेट नंबर 5 के ज़रिए, और फिर वहाँ पर मैं आप लोगों को दरगाह की जो ज़ियारत करवाऊँगा, फिर उसके बाद में हम लोग और मार्केट को जो है एक्सप्लोर करेंगे, मैं आप लोगों को आगे की चीज़ें बताऊँगा। अभी दोस्तों हम लोगों ने जो है गेट नंबर 5 से यहाँ पर दरबार के अंदर एंट्री कर दी है, और सामने जो है बड़ी मस्जिद है यहाँ की, अजमेर शरीफ के दरगाह की। तो यहाँ पर मगरिब की नमाज़ चल रही है, और अभी भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं रात के सारे क्लिप शूट नहीं कर पाया। तो मैंने जो फजर के बाद में आके और बाकी के क्लिप शूट किया, जो कि आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ये मंज़र दोस्तों फजर की नमाज़ के बाद का है। तो मैं और अफराज जो है हम लोग आ गए थे फजर की नमाज़ के बाद ही यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए। सामने आप लोग देख सकते हैं गुंबद है, इसके साथ में मेरे राइट साइड में यहाँ पर यहाँ की मेन मस्जिद है, और इसी के साथ में मेरे जो राइट साइड है अभी जिस तरफ कैमरा घूमा, तो ये जो है यहाँ की पहली देग है जिसमें मीठा बनाया जाता है लंगर का, और लेफ्ट साइड जो है ये दूसरी वाली सबसे बड़ी देग है जिसके अंदर जो है खाना बनता है लंगर शरीफ का। तो अभी दोस्तों मैं आप लोगों को आगे देख भी बताऊँगा, इसी के साथ में ही फजर के बाद की भी मैं क्लिप्स ऐड कर रहा हूँ। रंग रेजा
fire.